स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। साथ ही आप लोगों को जैसा कि आप देख रहे हैं तपती धूप में और 42-43 के डिग्री में मैं टेम्परेचर में काम कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो इसी मेहनत पर दोस्तों लाइक तो कर ही देना मेरे भाइयों। तो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या काम कर रहा हूँ आप यहाँ पे। तो साथियों जो काम हो रहा है यहाँ पे, ये है एक शोकेस, ठीक है। अभी ये खाली पड़ा हुआ है, ये शोकेस, इसको मैं बनाने वाला हूँ। और किस तरीके से बनाना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है दोस्तों यहाँ पे प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। प्लस पॉइंट बनाने के बाद इसमें मेरे को 8 इसमें जो है स्लाइड के कांच चलाने हैं, ठीक है। 8 स्लाइडिंग चलानी है मेरे को। और इसके अलावा आपको इसमें पार्टीशन भी दिया जाएगा सनमाइका का लगाने के साथ साथ। तो किस तरीके से मैंने इसको बनाना है ये आपको मैं लगातार इस वीडियो में जो है बताता रहूँगा। इस वीडियो को लगातार देखते रहिए कि यहाँ पे जिस तरह का ये शोकेस है इसको किस तरह मॉडिफाई किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं कड़ी धूप में फिर से मेहनत करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। और लगातार वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये शोकेस जो है अंदर से 10.5 इंची गहराई में है और 4x6 का ये बना हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, 10.5 इंची गहराई में इसको पहले बना लिया है बोर्ड को, ठीक है। 10.5 इंची गहराई बनाने के बाद इसके चारों तरफ जो है 4.25 इंची का बॉर्डर लगा देंगे, जिस तरीके से आपने देख रहे हो। ये कहीं से 2.75 बैठेगा, कहीं से 2.75 बैठ रहा है, तो इस तरीके से है, लेकिन कहीं से 4 बैठ रहा है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, एक साइड रखना है चारों तरफ से। आपका 4.25 इंची मैंने इसको रखा है, चारों तरफ से 4.25 इंची इसको रख देंगे। इसके बाद आपका ये फ्रेम जो है प्लस पॉइंट अभी बनाने जा रहे हैं, प्लस बनाने के बाद इसमें सेल्फ और डाल देंगे, जिससे कि क्या है कि यहाँ पे बच्चे लोग अपनी कॉपी किताब वगैरह रखने के लिए और गिफ्ट वगैरह भी कोई रख सकते हैं इसमें। तो ये डिमांड के अनुसार बनाया जा रहा है, किस तरीके से ये बन रहा है। लगातार आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। इस प्लाई को हम बोर्ड के किनारे से क्यों लगा रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है, वो हम आपको जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब हमको आपको बताएंगे कि इसका क्या रीज़न है, हम इसे बोर्ड के साइड से क्यों लगा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये प्लस पॉइंट मैंने इसमें बना दिया है और इसके अंदर जो चारों खन में अलग अलग शीशे लगेंगे। अच्छा, ये किस पर्पज़ से बनाई जा रही है मैं आपको बता दूँ। ये पर्पज़ यहाँ पे बच्चों की किताब कॉपी रखने के लिए पर्पज़ से बनाई गई है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा किताब कॉपी हो जा रही थी और इनको रखने में हो रही थी दिक्कत, जैसे कि आपने देखा ये जूता रैक है और जूता रैक में इन्होंने किताब कॉपी रखी हुई है। तो इन्होंने इसी पर्पज़ से यहाँ पर जो है बनाना शुरू कर दिया है। अभी इनमें हमें करना क्या है, यहाँ पे चारों तरफ चैनल लगाएंगे, इसमें एक एक पार्टीशन और देने वाले हैं दोस्तों। ये आपका 4 खन है, ये एक 3 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है, इस हिसाब से ये 4 खन बने हुए हैं। इसमें हमें एक एक पार्टीशन और दे देंगे। पार्टीशन देने के बाद इसको जो है हैंग करना शुरू करेंगे। इसमें किताब कॉपी रखने के मकसद से काफ़ी अच्छा लगेगा बनने। हमने आज में 4 खन दे दिया, एक साइड 4 और एक साइड 4, यानी 8 खन हो गया। इसमें 8 खन दे दिया है, इनको केवल कॉपी किताब ही रखनी थी। बच्चे पढ़े लिखे हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हो रहा था कॉपी का, इसलिए उन्होंने स्पेशल इसीलिए बनवाया कि इनको कॉपी रखने के लिए रैक, या तो रैक मान लो या से शोकेस फिट कर लो इसे। तो अभी दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने इसमें जो प्लस पॉइंट आप देख रहे होंगे, इसमें 4 खन में शीशे लगेंगे, यानी 8 शीशे लग जाएंगे। और ये जो बीच वाले जो फट्टे मैंने डाले हैं वो करीब 1.5 इंची मैंने छोटे रखे हैं, ठीक है। ये प्लस में करने के बाद ये बीच वाले फट्टे जो है 1.5 इंची छोटे रखे हैं, आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से तो बीच में 1.5 इंची छोटे इसलिए रखे हैं कि अभी चारों तरफ मैं चैनल घुमाऊंगा, चैनल घुमाने के बाद जो स्लाइडिंग चलती है वो उसके लिए हमें जगह देनी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद आपको जो बॉर्डर जो दिख रहा है, बॉर्डर पर भी हमें मायका लगानी है। बैक साइड में एक प्लाई है जो कि प्लाई लगा के मायका लगा इसे कम्प्लीट करना है। तो लगातार वीडियो को बने रही है दोस्तों, किस तरीके से काम हो रहा है और कैसे कैसे काम हो रहा है ये सब मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। तो ये जो बन रहा है 10.5 इंची इसकी गहराई है और 4x6 इसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बना के कंप्लीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो काम हो रहा है दूसरा, ये भी मैं दिखाने जा रहा हूँ, एक अलमारी जो कि किस तरीके से बनाई जा रही है, एक ही फ्रेमिंग अलमारी है जो कि यहाँ बनाई जा रही है फ्रेम करके। तो किस तरीके से बनाई जाएगी ये भी बता दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ भी आपने देख रहे होंगे यहाँ कितनी सारी कॉपी किताब रखी हुई हैं, तो इनको जो है दिक्कत हो रही थी कॉपी किताब रखने के लिए, और इतना सारा स्टॉक है इनके पास कॉपी किताब का कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी यहाँ सामान रखने के लिए। तो ये इस तरीके से यहाँ फैली पड़ी है इनकी कॉपी किताबें, आप देख पा रहे हैं। तो इसके मकसद से इन्होंने वो बाहर जो पहले मैंने आपको दिखाया है वो जो है कॉपी के लिए रैक बनवा दिया है इस शोकेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे एक अलमारी और बनाने जा रहे हैं। ये जो अलमारी देख रहे हैं किस तरीके से बना रहे हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो फ्रेम है, जो फ्रेम बन रहा है
ये हमने क्या किया है, 19 mm की प्लाई लेके इसको डबल जोड़ दिया है, जो दो जॉइंट कर दिया है, ठीक है। तो इसको हमने तकरीबन 1.5 इंच मोटाई में बढ़ा लिया है। तो जैसे आपने देखा ये 19 mm की दो प्लाई मैंने जॉइंट की है, आप देख पा रहे होंगे। तो दो जॉइंट करने के बाद इसकी मोटाई 1.5 इंच हो जाती है। और इसका मकसद क्या है, क्यों रखा जाता है ये भी बता देते हैं। ये जो चैनल की जो मोटाई होती है वो तकरीबन 1 इंच होती है, तो उसको लगाने के लिए हमें इसका मोटाई बढ़ाना जो ज़रूरी होता है। तो ये जो है चैनल, दो नाली का चैनल इसे बोलते हैं, तो इसको जो है यहाँ लगाया जाता है इस तरीके साइड में। इसके लिए मैंने आपको पहले बताया, तो ये जो पहले बताया था आपको, ये हमने ये यहाँ से 10.5 इंच इसकी गहराई है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको 9 इंच रखा है और यहाँ जो चैनल है इस तरीके से लगा दिया जाएगा। ये लगाने के बाद इसमें जो है शीशा जो है चला दिया जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हमने हैंग कर दिया है। पीछे कलर जो मायका लगाई है हमने 6 mm प्लाई में लगाने के बाद इसको पूरी तरह से यहाँ पे हैंग कर दिया है। हैंग 3 इंची पेचों से किया है और सामने से फ्रंट पे ये जो बॉर्डर है, केवल बॉर्डर के चारों तरफ हमने इसमें पेच लगाए हैं, क्योंकि इसका वेट इतना ज़्यादा था। ये अंदर पूरी तरह से फिट है और इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों जैसा आप देख रहे होंगे, ये भी हमने पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया, पूरा हैंग कर दिया है, ठीक है। ये नीचे तक है, तो यहाँ से थोड़ा दिखेगा कम आपको, नीचे तक बना हुआ है, तो यहाँ इसको हमने हैंग कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अब इसमें मायका लगाना शुरू करते हैं। करण में मायका लगाते हैं क्योंकि करण थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में, सादा में। और जिस तरीके से मैंने बताया आपको इसको किस तरीके से बनाना होता है, ये भी आप एक बार समझ लीजिए। जैसे कि इसके चारों तरफ आपका बॉर्डर बना हुआ है ईंट का, ठीक है, बीच में ईंट का, तो इसको क्या है, चारों तरफ से फ्रेम बनाने के बाद इसको पहले रखेंगे, इसके बाद बीच का जो ईंटें हैं उसके हिसाब से निशान ले लेंगे, उसी हिसाब से हमें बीच का पर्शन पूरा डालना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें मायका लगा के स्लाइडिंग चला देनी है। तो किस तरह चलाएंगे, लगातार वीडियो बने रहिए और देखते रहिए। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने जो है वीडिंग वगैरह लगा दी है, अभी थोड़ी देर में चैनल लगाना बाकी है। तो दोस्तों आप लोगों को चैनल को किस तरह काटना होता है, कभी कभी ऐसा होता है करण वाला जो ठिया होता है वो खराब हो जाता है, तो आप लोग करण काटने का जो तरीका है हम आपको बताए थे किस तरीके से काटना होता है। तो आपको करना क्या है, कभी भी आप ये वाले दो निशान देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये दो निशान लग रहे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों निशानों को आप किससे लगाएंगे, किससे किससे नाप कर इस तरीके से लगा लेंगे, दोनों तरफ पेन चला लेंगे। तो इसके दोनों तरफ पेन चला लेंगे आप, इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों तरफ पेन चलाने के बाद इसको काटना शुरू कर देंगे, तो चैनल जो है एकदम करण में मिलकर आएगी आपकी। अभी हम जो है आपका चैनल लगाना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर जो चैनल लगना शुरू हो गया है, तो चैनल लगाने के बाद इसमें शीशा भी लगा देंगे। तो दोस्तों वीडियो पर लगातार बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मैंने कांच लगाना शुरू कर दिया है, शीशा लगाना शुरू कर दिया है, और शीशा लगाने का तरीका भी मैं आपको बताया, तो किस तरीके से आपको शीशा लगाना होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देंगे, ये जो नीचे वाली जो चैनल है ये फोल्डिंग रहेगी, ठीक है, तो ये फोल्डिंग रहेगी। और फोल्डिंग हम इसलिए रखते हैं कि ऊपर की तरफ कील लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है हमें, तो ये दिक्कत ना हो इसके लिए हमें नीचे वाली जो चैनल है उसको फोल्डिंग रखना पड़ता है, तो इससे थोड़ा आसान होता है हमें कांच लगाने में, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आपको नीचे वाली चैनल को फोल्डिंग रखना है, और कैसे लगाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे प्रॉपर। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, ये जो ग्लास है इसमें कटिंग, हम लोग जो कटिंग करा के लाते हैं ग्लास में, हम कांच वाली दुकान से ही करा के लाते हैं। इसके बाद ये जो आपकी गिरारी है इसको हम लगाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से इस तरह फिट कर देंगे। इसको फिट करने के बाद हम उस चैनल पर ले जाएंगे जहाँ हमें इसे लगाना होता है। तो साथ ही आपको करना क्या है, इसको आप चैनल पर नीचे रखेंगे, ठीक है। नीचे रखने के बाद आपको दोनों नालियों में, जिस तरीके से फोल्डिंग चैनल को नीचे लगाने के बाद दोनों नालियों में एक एक ग्लास को लगा देंगे। इसके बाद आपको उसको करना क्या है, थोड़ा सा इसको ये वाली उंगली से इस तरीके से इस तरफ पकड़ना है, यानी कि इसमें ग्लास के अंदर गैप होना चाहिए। इसको उठाना है, फिर उठाना किस तरीके से, दो लोगों की हेल्प से उठा लो या सिंगल भी उठा सकते हो, इस तरीके से उठाना है और बड़े आराम से इसको इस तरीके से अंदर डाल सकते हैं आप, ठीक है। ये डालने के बाद आपको ये जो स्लाइड आपने जो पकड़ा हुआ है चैनल, इसको
तो इस तरीके से आपको करना क्या है, फोल्डिंग वाले में पहले फंसाना है आपको नीचे क्लास, फंसाने के बाद थोड़ा सा गैप देके ऊपर वाले दोनों नालियों में फंसा देना है। इसको बड़े आराम से इस तरीके से प्यार से आगे सरका देना है, ठीक है। पीछे पूरा दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको इसको फोल्डिंग वाले को अंदर ऐसे खिसका देना है, ठीक है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से इसको किया है, पीछे तो जिस तरीके से मैंने किया है, मैंने जैसे कि पहले फोल्डिंग वाले को चैनल को नीचे रखा, ग्लास को मैंने इसको फंसा दिया, इसको आराम से उठा के ऊपर ही नाली में दोनों ग्लास को लगा दिया और नीचे से आराम से अंदर सरका दिया। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं, चेक करना चाहें तो इस तरीके से चेक करके एक बार देख सकते हैं कि आपका सिलाइडर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये इस तरीके से आपको चलाना है, ठीक है। चलाने के बाद इसको हम 1 इंच की किलो से इसे नीचे हैंग कर देंगे। ओके साथ ही बराबर देखते रहिए वीडियो को। तो साथियों आप लोगों की ये भी अलमारी तैयार होने जा रही है कुछ ही क्षणों में। इसमें भी चैनल लगा दिया गया है और इसमें भी ग्लास लगाना बाकी है। तो आपने तभी देखा था जब कोरी थी कैसी लग रही थी, लेकिन अभी कितनी सुंदर लग रही है, और शीशा लग जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी। तो इस तरीके से आपको अलमारी को बनाना है। कभी भी बनाना हो तो ध्यान रखना कि आपको 19 mm की प्लाई डबल करके और इसे उसे पहले पेस्ट करेंगे फेविकॉल से, उसके बाद इसको हैंग करेंगे, हैंग करने के बाद इसको लगा देंगे, लगाने के बाद सनमाइका लगाएंगे, सनमाइका लगाने के बाद आपको चैनल को लगा देना है। चैनल लगाने के बाद नीचे वाली जो चैनल है वो फोल्डिंग रखनी है आपको, तीनों साइड की फिक्स कर देनी है, उसी से लगाने में आसानी होगी और शीशा लग जाएगा आपका। तो इसी प्रकार आप लगातार वीडियो को देखते रहिए। अब लास्ट में जो बचा हुआ थोड़ा सा, ये भी आप देखिए किस तरीके से मैंने इसको फाइनल किया है। तो पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये 2 इंच का चोभा है, इससे हम पहले करेंगे छेद, ठीक है। पहले छेद करने के बाद इसे निकाल देंगे और यहीं पे तुरंत आप 1/4 इंच का पेच लगा देंगे। ये 1/4 इंच का पेच लगा देंगे, सॉरी 1/4 इंच का चोभा है ये, पेच नहीं है। और इसे थोड़ा सा ठोकेंगे, उसके बाद आप एक बोल्ट ले लेंगे 2 इंची 2.5 इंची का, जैसा भी आपको मिलेगा। तो इससे क्या है, कील जो है बड़े आराम से और अंदर तक बैठ जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये कील जो है यहाँ पूरी तरह बैठी हुई है। तो बस इसी तरह आपको ये शीशा जो है लगा लेना है। तो साथियों इस वक्त ये जो अलमारी है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, शीशा सारे लग चुके हैं। तो आपको कैसी लगी अलमारी आप ज़रूर बताना कमेंट में। तो साथियों आप लोगों ने देखा जैसे कि मैंने इसका सोचे बना दिया है कंप्लीट, और ये इसका मेन पर्पज़ था इसको बनाने का कि इसमें जो है किताबें रखी जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने समझा दिया किस तरीके से इसको बनाना होता है। तो दोस्तों आपको शोकेस कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलना भूलिए। मिलते दोस्तों ऐसी ही वीडियो, नमस्कार दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।